आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतान रजीम, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। स्टूडेंट्स, आज हमारा लेक्चर नंबर 16 है, एक्सरसाइज 6.9 आज हम कर रहे हैं बेटा। इसका पहला क्वेश्चन है, फाइंड द सॉल्यूशन सेट बाय यूजिंग द मेथड ऑफ इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट्स। इसके दो पार्ट्स में कर रहा हूँ, छः पार्ट्स हैं, एक में पहला कर रहा हूँ और एक आखिरी कर रहा हूँ आपकी सहूलियत के लिए, बाकी आपने खुद करनी है। देखिए बेटा, ये इसमें दो इक्वेशंस उसकी दी हुई हैं, 2x + 5y इज इक्वल टू -1, x - 2y इज इक्वल टू 4। इसको मैं इक्वेशन 1 कहता हूँ, इसको मैं इक्वेशन 2 कहता हूँ। अब इनमें देखें, ये x के साथ x और y वेरिएबल्स हैं और ये 2 और 5 कोएफिशिएंट्स हैं। इसी तरह ये 1 और -2 कोएफिशिएंट्स हैं। ये x के दोनों कोएफिशिएंट्स एक जैसे नहीं हैं, y के दोनों एक जैसे नहीं हैं, इन में से किसी एक को एक जैसा करना होगा। अगर मैं 2 के साथ इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई करूं तो ये 2x हो जाएगा, मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाय 2। देखिए, मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, ये 2x हो गया, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, 4 को भी 2 से मल्टीप्लाई किया, ये क्या बन गया, 2x माइनस 2 टू 4y, 2 4 8, ये हमारी इक्वेशन नंबर 3 हो गई। अब आप बेटे इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 3 को उस साइड पे देखें, ये मैंने आपके सामने बनाया हुआ है। ये देखें, 2x और 2x दोनों सेम हो गए, y की कोएफिशिएंट सेम नहीं हुए, ये सेम हो गए, लेकिन ये अभी कट नहीं सकते। काटने के लिए इन्हें हमें माइनस करना होगा, माइनस करेंगे तो नीचे वाला साइन चेंज हो जाएगा, ये चेंज हो जाएगा इधर से, ये इसका भी साइन चेंज हो जाएगा और इसका भी साइन चेंज हो जाएगा, सबके साइन नीचे वाले चेंज हो जाएंगे। तो ये 2x प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, ये कट जाएगा। इसी तरह मैंने ये काम इधर किया है, ठीक है बेटा, ये मैंने सबट्रैक्ट किया, क्यों किया ये मैंने आपको उधर अभी बता दिया। तो फिर साइन चेंज किए नीचे वाले, ये कट गया, +5 + 4 9y हो गया, -1 -8 -9 हो गया, दोनों तरफ 9 आ रहा, कट जाएगा, y = -1 आ जाएगा, क्योंकि 9 1 9 होता है। ये मैंने y की वैल्यू जो मेरी निकली, इसको मैं पुट कर सकता हूँ इक्वेशन 2 में पुट कर दें, इक्वेशन 1 में पुट कर दें, जिसमें मर्जी पुट कर दें, आंसर x का यही आएगा। मैंने 2 में पुट किया तो x की जगह मैंने x ही लिखा, माइनस की जगह -2 इंटू का मतलब ब्रैकेट, 1 - 1 वाई की वैल्यू जो है वो मैंने ब्रैकेट में डाल दी, मल्टीप्लाई कर दिया इसके साथ, = 4। एक्स इसी तरह लिख दिया, -2 1 2 मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये साइन मल्टीप्लाई हुए तो -2 + हो गया, 2 1 2 हो गया, ये 4 आ गया। x = 4 - 2 x = 2। अब सॉल्यूशन सेट लिखने का तरीका ये होता है बेटा कि आपने एक्स की वैल्यू पहले लिखनी है जो आंसर आया, वाई का आंसर बाद में लिखना है, और इनको कॉमस डालनी है, और इनको एक ब्रैकेट, छोटी ब्रैकेट के अंदर बंद करना है, और फिर इस सारे को एक दरमियानी ब्रैकेट, मिडल ब्रैकेट के अंदर आपने क्लोज कर देना है। इसे कहते हैं सॉल्यूशन सेट। इस सॉल्यूशन सेट में क्लोज ब्रैकेट का मतलब है कि ये सॉल्यूशन सेट है, जो स्मॉल ब्रैकेट है इसका मतलब है कि ये इसके अंदर ये पहली वैल्यू एक्स की है और दूसरी वैल्यू वाई की है, जो हमारे आंसर्स आए। तो एक्स 2 आया था, ये 2 आ गया, वाई -1 आया था, ये वाई बाहर में आ गया, आपने इसमें बड़ा और छोटा नहीं देखना। इसी तरह 6 पार्ट है, सेम इसी तरह है वो भी, इसमें भी देखे मैंने, ये देखे ये 4y है, ये वाई है, मैंने इसको 4y करने के लिए 4 से इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई कर दिया। देखिए 4 × 5x 4y 27 को भी 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये मल्टीप्लाई करके आ गया। अब फिर ये देखें कि यहाँ पर -4y + 4y एक जैसे हो गए, ये एक जैसे भी हो गए और साइन इनके डिफरेंट हो गए, ये यहीं पर कट जाएगा, ठीक है, कटे कैसे, ये इनको आप सब्ट्रैक्ट नहीं करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, ठीक हो गया बेटा बेटा, ये ऐड हो जाएगा। इसी तरह मैंने इसको ऐड कर किया, ये 23 हो गया, ये 115 हो गया, 23 जब मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आकर डिवाइड हो गया, डिवाइड किया तो ये 5 आ गया, क्योंकि 23 5 आर
15 होता है। एक्स इज इक्वल टू 5 आपने इक्वेशन 2 में पुट कर दें, 1 में पुट कर दें, आपकी मर्जी। 5 इंटू 5 इंटू, ये क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इंटू 5 एक्स की वैल्यू मैंने लगा दी, प्लस वाई लिख दिया, इज इक्वल टू 27। 5 5 25 प्लस वाई इज इक्वल टू 27, 27 ये 25 उधर जाके माइनस, वाई इज इक्वल टू 2। तो सोल्यूशन सेट क्या आया, एक्स की वैल्यू पहले आएगी, मैं पहले बता चुका हूँ, वाई की वैल्यू बाद में आएगी, और इसको एक स्मॉल ब्रैकेट के अंदर बंद करेंगे और इस सारे को फिर मिडल ब्रैकेट के अंदर करेंगे, तो ये सोल्यूशन सेट हो जाएगा। ये थे बड़े हमारे 6.9 का क्वेश्चन नंबर 1 आज, इसके मैंने दो पार्ट्स किए, ये आपने अपनी कॉपी पे उतार लेने हैं, और बाकी जो क्वेश्चन हैं उनको भी आपने कॉपी पे करना है।